दीर्घ वर्ष पर मन पड़ा ठिकणा 42 वर्ष पर बाप पुओं भेट धनेश्वर होइथिले धरणीधर पुओ को जेतबेले मात्र 8 वर्ष घर छाड़ी चली आसीथिले बापा जाजपुर पुरी आसी एक मठरे महंत हो रहीगले एहारी भितरे बीतीगला 42 वर्ष बार्धक्य जेतेबेले रोग शज्जारे पड़िले मने पड़िला परिवारर कथा पति और पिलामानंकु खोजिले कथा कहिबाकु बळ नथिला इंगितरे देले घरर ठिकणा आहु एहापरे पुरी जिला सदर मुख्य चिकित्सालय मेडिसिन वार्डर बेड निकटरे पहुँचिथिले 50 वर्षीय पुओ 88 वर्षीय वृद्ध बापा ओ पुओ सामना सामनी हेबा परे सृष्टि होइथिला भावविहुल परिवेश परिस्थिति एमिति हेला जे देखणहारीको आखिरे भी रहिला नीलुह पुरीरु नजर आसी एभली घटना जाजपुर मुकुंदपुर दंडाघाटी ग्रामर धनेश्वर दास 45 वर्ष तले धनेश्वर गेली दास को विवाह करी संसार गढ़ी गोटे पुओ और चारि झियंकु नहीं तांकर परिवार पुओ को 8 वर्ष बेले कौनसी कारणरु घर छाड़ी चली आसी धनेश्वर पर से दासिया पीठस्थित राधामोहन मठरे रहिले गुरु थिले नरहरी दास नरहरी 1999 मसीह से मठर महंत भाव दायित्व ग्रहण करिथिबा कहिछंती तांको शिष्या दीर्घ 23 वर्ष धरी शिष्या जमुना और शिष्य कृष्ण चैतन्य धनेश्वरंकर करिथिले सेवा हेले केबे परिवार संपर्क रे मुह खोली नथिले धनेश्वर दीर्घ 40 वर्ष परे आम बापा को आम देख नु आम को जेनापुर थाना अधिकारी जड़ाए फोन कर जड़ाइले तुम बापा ए पुरी हस्पिटाल अच्छा द्वारा आम आस पुरी हस्पिटाल पहुँचीगल पहुँचिक देखिले कि प्रकृत में आम बापा आम तो चिन्ह नु आम गाँव जन पड़ोसी दादा को डाक जानूँ सी चिन्हबार आम जानूँ हाँ प्रकृत में आम बापा आर सब किसी आड्रेस भी सी कहले आम पुओ ना या झीव ना या आम गाँ लोक ना या से आम जानल आम बापा ये बयसाधिक कारण किदिन ते रोगाक्रांत हो पड़ी धनेश्वर से भी ठार् सबुले चिंताग्रस्त रुले से 15 दिन तले से खाइबा छाड़ी देबारु तांकु शनिवार जिला मुख्य चिकित्सालय रे करा जाइथिला भर्ती आउ चिकित्साधीन अवस्था रे कांदिथिले धनेश्वर शिष्यांकु खनै खनै इंगितरे देइथिले घरर ठिकणा पुओ ना बाबाजी बोली करिथिले स्पष्ट एही समय रे पाख बेड रे जणे रोगीक पुओ पिपिली अंचल रे जणे सांबादिकंकु करिथिले अवगत सांबादिक आईएसी को सहयोग रे परिवार सह कराइथिले जोगाजोग आमर बापा नथिला बोली आमे जानिथिलु किंतु एबे जितु देखिलु प्रकृत रे आम बापा आम परिचय देउछन्ती आम बहुत खुश लागुछ 42 वर्ष धरी धनेश्वर पुओ को पाखरे पाई होई पड़िथिले अस्थिर भो भो होई कांदी पकाई बाबाजी को माँ गेली और चारि भौणी कथा पचारिथिले किंतु विधिर विधान थिला अलगा कारण माँ गेली बापा को झुरी झुरी 7 वर्ष तलू चली जाइले आर पारि को केवल माँ नुहे जड़े भौणीकर भी होता मृत्यु बाबाजी ठारू एक शुणा पर मथे हाथ पिठी कांदी धनेश्वर सेपटे संसार त्यागी होइथिबारु धनेश्वर घर को न फेरी मठरे रहिबा को नेइछंती निष्पत्ति ब्यूरो रिपोर्ट प्रमोइन्यूज7.com